आखिरकार बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपना सेनापति बदल ही डाला। 2017 के चुनाव की तैयारी करते हुए पार्टी ने 42 वर्षीय संघ प्रचारक और इलाहाबाद के फूलपुर से सांसद केशव प्रसाद मौर्य के प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। देश की सियासत में बड़ा कद रखने वाले उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने कमर कस ली है। पार्टी ने तमाम कयासों और अटकलों को विराम देते हुए फूलपुर से सांसद और तेज तर्रार नेता केशव प्रसाद मौर्य को यूपी का नया अध्यक्ष बनाया है। केशव मौर्य लक्ष्मीकांत वाजपेयी की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल पिछले साल नवंबर में पूरा हो चुका है। यही मुझको आपको बताना था कि आज 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और बहुत ही आज शुभ दिन है और इस शुभ दिन पे प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति इस बात को संकेत करता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का इन प्रदेशों में संगठन और मजबूत होगा और भारतीय जनता पार्टी को एक शिखर पे ले जाने के यह प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ता करेंगे। चुनाव में नए सेनापतियों के साथ उतरने के लिए और पार्टी में नई ऊर्जा भरने के मकसद से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश समेत कुल 5 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। केशव प्रसाद मौर्य को यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने के अलावा विजय सापला को पंजाब, बीएस येदुरप्पा को कर्नाटक, डॉक्टर के लक्ष्मण को तेलंगाना और तापीर गांव को अरुणाचल प्रदेश की कमान सौंपी गई है। बहुत सारे नेताओं के नाम आए थे जिनको अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी और एक नई परिकल्पना, एक नई सोच, एक नया निर्णय हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी को ये गर्त में ले जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बचा है और ऐसे में एक ओबीसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने अपनी रणनीति साफ कर दी है कि उत्तर प्रदेश में उसकी नजर सिर्फ अपने परंपरागत वोट बैंक पर नहीं है बल्कि ओबीसी और दलित वोट बैंक में सेनमारी भी रणनीति का अहम हिस्सा है। अभिषेक पांडे, APN, लखनऊ।